विश्वास है कि 20 मार्च को उनको फांसी होगी और जरूर होगी, निर्भया को इंसाफ मिलेगा। एक तरफ 5 माएं हैं और एक तरफ 1 माँ है, ये भी देश देख रहा है, ये संविधान भी देख रहा है, कोर्ट भी समझ रहा है इनकी चाल को, तो जो भी याचिका है खारिज होगी और 20 मार्च को उनको फांसी होगी। 20 मार्च सुबह 5:30 बजे, ये वो तारीख और समय है जिस दिन निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा मुकम्मल की जाएगी। सुई के बढ़ते कांटों की तरह जैसे जैसे फांसी की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे इन चारों की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। ये चारों गुनहगार अपनी फांसी की सजा टालने के लिए रोज नए हथकंडे अपना रहे हैं, कभी खुद के बीमार होने का बहाना तो कभी अपने परिवार की मजबूरी। लेकिन इस बार तो निर्भया के दोषियों ने खुद को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुहार लगा दी है। दरअसल निर्भया गैंगरेप के दोषी फांसी के खिलाफ इस बार अंतर्राष्ट्रीय अदालत यानी ICJ की शरण में पहुंच चुके हैं। दोषियों के वकील AP सिंह ने 16 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय अदालत को पत्र लिखा है। पत्र में 20 मार्च की होने वाली फांसी पर रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि निचली अदालत के सभी रिकॉर्ड अदालत अपने पास मंगाए ताकि वो अपना पक्ष अंतर्राष्ट्रीय अदालत में रख सके। पत्र नीदरलैंड के दूतावास को दिया गया है जो ICJ को भेजा गया है। फाइलिंग हो गई है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और यहाँ के एम्बेसी में, नीदरलैंड के एम्बेसी में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, UNO में, सब जगह पिटीशन फाइल हो गई है। और हमारी ग्राउंड है कि जो हमारे यहाँ ट्रायल हुआ, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ, जो हमारे एविडेंस थे, जो हमारे सबूत थे, जो तथ्य थे, जैसे विनय और पवन का मोबाइल फ़ोन आज भी साकेत कोर्ट में जमा है, ट्रायल कोर्ट में, उसको दिल्ली पुलिस वेरीफाई कर चुकी है, वीडियोग्राफी हुई, घटना का टाइम आया, दिन आया, तारीख आई, समय आया, टावर आया, लेकिन उसको ये माना जा रहा है कि वहाँ रखे रहो, छुपाए रहो, तो तथ्यों को छुपाया जा रहा है। मिसकैरेज ऑफ जस्टिस लगातार इस केस में शुरू से हो रहा है, तो तमाम तथ्य सबूत गवाही को उन्होंने कहा है सारा रिकॉर्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में मंगाया जाए, इसके डेथ वारंट पे स्टे लगाया जाए तुरंत और उसकी प्रोसीडिंग हो, हियरिंग हो और उसे सुना जाए। निर्भया के 4 दोषियों में से 3 अक्षय सिंह, पवन गुप्ता और विनय शर्मा अब ICJ की शरण में पहुंचे हैं। बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों को 20 मार्च सुबह 5:30 बजे फांसी देने का डेथ वारंट जारी किया है। दोषियों के खिलाफ ये 4थी बार डेथ वारंट जारी हुआ है। इससे पहले निर्भया के दोषी कानूनी दांव पेच का सहारा लेकर 3 बार फांसी की तारीख टलवाने में सफल रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।